साले बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, जैसे इनके बाप के नौकर, कि इन्हें पकड़े उनके बाप के हवाले करें। जी बेहतर सर। सर क्या बात है कांस्टेबल, ये किसको पकड़ के ले आए? शुक्र करें सर ले आए, वरना गोशखोरों के हाथे चढ़ जाता। आ बेटा मेरे इधर बैठो मेरे पास। शाबाश। अरे भाई कांस्टेबल जाओ जाके जरा इस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने के लिए। सर इतने मेहरबान क्यों हैं इस बच्चे पे? ये मत पूछो कि मैं इस पर इतना मेहरबान क्यों। ये वाकया सन 1974 का है, जब मैं अपने माँ बाप से प्लेटफॉर्म पर बिछड़ गया था। दुनिया की इस गुंजान भीड़ भाड़ में अकेला रह गया था, कहीं खो गया था। मुझे नहीं पता था कि बिछड़ने के बाद मुझे इस समाज के ऐसे बदसूरत घिनौने लोगों का सामना करना पड़ेगा। बच्चा क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? अम्मी अबू ने बिछड़ गया हूं। अरे रे रे, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा देता हूँ। अभी एक रूप से नकाब हटा नहीं था कि दूसरा भैरूपिया सामने आ जाता था। हाय शिकारी, बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, आए पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। आ क्या बात है शहजादे, बड़ा उदास बैठा है। आई शक्ल तो देख, इधर आ मेरे पास मेरे। आए मुझे देख, मैं हूँ तेरी काजल मस्तानी। क्या बात है, क्यों रो रहे? अच्छा अम्मी अबू के लिए। अब मैं जानती हूँ तेरे अम्मी अबू अगले स्टॉल पे चाय पी रहे हैं, चला तुझे उनसे मिलवाती हूँ। हाँ हाँ, काजल मस्तानी के साथ धोखा, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं कभी इधर कभी उधर पटरियों पर भटकता रहा और समाज के दरिंदे मुझे भेड़ियों की तरह ढूंढते रहे। उस वक्त मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शुक्र है खुदा का, मुझे सहारा मेरे अपनों ने दिया और मैं स्टेशन मास्टर बना। साजिद अंकल। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? क्या मेरी अम्मी अबू साहब मिलवाएंगे मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे अबू और तुम्हारी अम्मी से मिलवा दूंगा, बस इतनी सी बात। अरे कांस्टेबल, अरे कहाँ चला गया? अगर मुझे कोई पूछने आए तो कह देना कि मैं अपने कमरे में। जिंदगी भी कितनी अजीब है और वक्त इससे ज्यादा, जो अपने आप को बार बार दोहराता है। ये वक्त मुझ पर भी आया था जो गुजर गया। यही प्लेटफॉर्म हजारों लोगों को अपनों से मिलाता है और यही प्लेटफॉर्म किसी एक को अपने हजारों से दूर कर देता है, जैसा कि मैं
स्टेशन मास्टर साजिद खान। आज ये वक्त इस बच्चे पर आया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको कभी इसके अपनों से जुदा ना करे। आमीन।